हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये हमने टमाटर, प्याज और अदरक ली हुई है, इसको हम पीस लेंगे। ये हमने छोले डाल दिए हैं कुकर में और ये चाय की पत्ती का पानी हमने पहले ही उबाल लिया है, इसे डाल देंगे इसमें हम। और ये हमने कुछ लौंग ली हुई हैं, इन्हें भी इसी में डाल देंगे। और ये कुछ काली मिर्च हैं, इन्हें भी इसी में डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी और बढ़ाएंगे हम इसमें। हम और इसे हम उबलने के लिए रख देंगे गैस पर। ये भटूरे बनाने के लिए हमने मैदा ली हुई है, इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे और ये एक चम्मच चीनी, इसे भी डाल देंगे इसमें। ये हमने आधी चम्मच बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, इसे भी इसमें डाल देंगे और गर्म पानी की सहायता से इसको हम गूँथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके हम अच्छी तरह से इसे लगा लेंगे। इसमें थोड़ा सा हमने रिफाइंड डाला है और अच्छी तरह से इस मैदा को गूंथेंगे और अच्छी तरह से। मैदा को अच्छी तरह गूंथ के हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। कॉटन का गीला कपड़ा करके उससे अच्छी तरह से ढक के रख देंगे इसे। और ये हमारे छोले हो चुके हैं फ्रेंड्स। और एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। इसमें हम जीरा डाल देंगे, ऑयल हो चुका है हमारा। इसमें हम हींग डालेंगे, और ये तेज पत्ता, इसे भी हम डाल देंगे। और जो हमने मसाला पीसा हुआ था उसे डाल देंगे इसमें। इस मसाले को हम भून लेंगे अच्छी तरह से। इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, वो भी इसमें डाल देंगे। ये आधी चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, इसे भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे हम। और जब मसाला हो जाए इसमें हम छोले डाल देंगे। ये हमने मैश कर लिए हैं जिससे कि हमारा ये रसा गाढ़ा हो जाए और छोले अच्छी तरह से बन जाएं। ये हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। चलाते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। और इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारे छोले बनकर रेडी हैं। और इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है हमारे छोलों का। और ये हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे भटूरे बनाने के लिए। और ये हमारा मैदा भी तैयार हो चुकी है। और एक हमने लोई ली है, भटूरे बेल लेंगे इस तरह से। आप चाहे जैसे भी गोल बनाना चाहें, लंबे जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं।
और ये हमारा ऑयल भी हो चुका है फ्रेंड्स, तो इसमें जो हमने भटूरा बेला है इसको हम डाल देंगे इसमें, और अच्छी तरह कलछी की सहायता से दबाते हुए इसको हम सेक लेंगे। आप देख सकते हैं भटूरा एकदम फूल के कितना बढ़िया आया है, और हम इस तरह से सारे भटूरे अपने सेक लेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से हमारे भटूरे आए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।